हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो DIY बनाने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ओहो स्वाति, तुम मुझे एक ही बात बोल के क्यों लोगों को इरिटेट करती हो? अरे नहीं प्रीसु, ये लोग इरिटेट नहीं होंगे क्योंकि ये तो हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, तो ये इरिटेट कैसे हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं, कोई बात नहीं। आज हम जो बनाने वाले हैं DIY, वो बहुत सॉरी प्रीसु। चलो कोई नहीं, माफ की। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। आज हम जो बनाएंगे उसे हम एक्रेलिक कलर से बनाने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं मैं वाइट कलर का एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप स्पंज के हेल्प से कर सकते हैं, ब्रश के हेल्प से भी कर सकते हैं, पर टेक्सचर सही है तो उसके लिए मैं स्पंज यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखिए मैं उसे कैसे डबिंग कर रही हूँ, पूरे पे कर रही हूँ। उसे आप अच्छे से कीजिएगा डबिंग करने के बाद, जब फील हो जाएगा ये वाइट कलर से, तो फिर आप इसे कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये तो व्हाइट में भी रॉयल लुक दे रहा है। बैड हैबिट स्वाति, पूरा कंप्लीट करो, चलो। हाँ मेरी माँ, मैं पूरा ही बनाने वाली हूँ। देखो फिर आगे क्या करना है हमें, फिर चॉक पेंट लेना है। आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, मैं चॉक पेंट ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास पर्पल एक्रेलिक कलर नहीं था, तो मैं उसे भी स्पंज के हेल्प से टेक्सचर वाइज दे रही हूँ। आप टेक्सचर उसे आप पूरा फिल नहीं करना है, हमें उसे टेक्सचर वाइज बस डब करते जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं वाइट छूट रहा है, कहीं कहीं वाइट टेक्सचर, वाइट प्लस पर्पल का टेक्सचर मैं देने वाली हूँ क्योंकि मैं वाइट और पर्पल के थीम से बना रही हूँ। तो कुछ ऐसा बना रही हूँ कि वो पूरा प्लेन भी ना हो, पूरा क्या बोले, आप देख ही सकते हैं। इसे अच्छे से करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। फिर इसे हमें क्या करना है ना, कुछ टाइम के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर आप दोनों का देख सकते हैं कॉम्बिनेशन कितना सही लग रहा है। ओफो, इसका कैप फिर हमें लेना है। फिर उसे हमें क्या करना है, आप ब्रश से इंक कीजिए क्योंकि मैं इसमें कोई टेक्स्चर नहीं फील कर रही हूँ। ये मैं ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं स्पंज से ही उसे मर्ज कर दे रही हूँ। आप क्या करो, आप ब्रश से यूज़ करना, या आपको भी मेरे तरह यदि लेजी जैसा हो रहा हो तो आप भी कर सकते हो स्पंज से। हाँ, तुम तो हो ही लेजी और दूसरों को भी सिखाओ। अरे बाबा प्रीसु, तुम कितना गुस्सा कर रही हो आज, लगता है गुस्सा तुम्हारे नाक पे ही बैठा हुआ रहे। चलो छोड़ो, फिर हमें क्या करना है, फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमें सबसे मेन प्रोसेस करना है इस वीडियो का, जो है ट्रांसफर डेक को ट्रांसफर सीट। आप देख सकते हैं मैं कितना ब्यूटीफुल सा बर्ड प्लस मल्टी कलर वाला कुछ ली हुई हूँ थीम। आप कोई भी डेको ट्रांसफर सीट ले सकते हो, जो भी थीम है आपका, आपको जिस पर्पस के लिए यूज़ करना है, जो भी पर्पस है आपका यूज़ करने का। मेरा तो पर्पस है बस रूम डेकोरेट के लिए, तो मैं कुछ भी मतलब मल्टी कलर में यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बर्ड वाला ली हुई हूँ। आप कोई भी ले सकते हो। फिर मैं हमें क्या करना है, उसका जो ट्रांसपेरेंट सीट होता है उसे हटा देना है, रिमूव कर देना है। फिर हमें उसे इसमें स्टिक कर देना है। फिर आप देख सकते हैं कि इसे मैं कैसे पानी के हेल्प से, ब्रश से, स्पंज से, मैं पहले क्या करती थी स्पंज से करती थी, अब मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से मेरा बहुत सारा डेको ट्रांसफर वेस्ट हो चुका है। पर आज मैं पेशेंस के साथ वीडियो बना रही थी, मैं सोची नहीं आज मेरे को बनाना ही बनाना है, मेरा ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और आप देख सकते हैं मेरे पेशेंस का रिजल्ट कितना सही निकला, कितना ब्यूटीफुल होकर ये निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, वाइट पे भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हल्का बीच में ख़राब हो गया था पर मेरा पेशेंस इस बार रिज़ल्ट सही दिखाया, वरना मेरे से बहुत बेकार, मेरे से तो लगता था कि नहीं मेरे बस का नहीं है ये डेको ट्रांसफर सीट यूज़ करना। फिर देखिए आखिरकार हो ही गया। आप भी पेशेंस के साथ कीजिएगा तो हो ही जाएगा। फिर मेरा क्या हुआ था ना, पानी की वजह से बहुत सारा रिमूव हो गया था कलर, तो मैं क्या कर रही हूँ, वाइट कलर को वापस से मिनी स्पंज के हेल्प से वापस से किनारे किनारे में डाल रही हूँ। जो जो मतलब पानी लगने की वजह से ख़त्म हो गया था कलर, मैं वापस से उसमें कर रही हूँ। पर हमें तो वाइट छोड़ना नहीं है इसे, तो हमें क्या करना है, फिर ये जब ड्राई हो जाएगा तो, पर मुझे थोड़ा ना फीका फीका लगा, तो मैं क्या की मुझे ग्रीन थीम पे चाहिए था, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं क्या की मैं ग्रीन कलर, एक्रेलिक कलर का जो ग्रीन कलर होता है, नहीं पहले मैं ऊपर ड्राई होने के लिए छोड़ दी, फिर मैं नीचे की तरफ वापस से जहाँ जब वाइट हो गया था, मैं स्पंज के हेल्प से वापस से मैं करने लगी उसे, क्योंकि ब्रश से नहीं होता कि करने के बाद इधर उधर लग ही जाता है। तो मैं उसे पहले हटा रही थी, रिमूव कर रही थी, तब तक ऊपर वाला ड्राई हो जा रहा था। फिर हमें ड्राई होने के लिए वेट करना है दोनों चीज़, जब ड्राई हो जाएगा।
अब ये ड्राई हो चुका है तो हमें क्या करना है, फिर ग्रीन एकरली कलर लेना है। तो मैं उसे स्पंज के हेल्प से बॉर्डर पे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रीनरी सीन चाहिए था, पूरा ग्रीन ग्रीन सा चाहिए था। पर क्या हुआ ना, वो लीफ से मैच नहीं कर रहा था, वो ज़्यादा डार्क हो गया था। तो मेरे को फिर लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो दोनों मैच नहीं कर रहा। तो मैं क्या कि वापस से वाइट कलर को लेके वापस से ग्रीन और वाइट को ब्लेंड कर दी, तो वो थोड़ा लाइट ग्रीन में आ गया। तो आप देख सकते हैं अभी तो पूरा डार्क ग्रीन कर रही हूँ, फिर बाद में इनको लगा कि नहीं ऐसा सही नहीं लग रहा, तो मैं वापस से वाइट कलर लेके मैं उसे वापस से ब्लेंड की। दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि यदि ब्लेंड नहीं होगा तो वो धब्बा धब्बा सा दिखेगा, तो वो सही नहीं लगेगा। फिर हमें क्या करना है, उसे ड्राई होने छोड़ देना है। फिर हमें जो पर्ल ड्रॉप होता है उसे हमारे मेन इस पे जो होता है बॉक्स पे लगाना है, ड्रॉप वाइज देते जाना है उसके बॉर्डर पे। नीचे भाग में मैं दे रही हूँ, आप देखते जाइए प्रोसेस को। आप मंडला टूल से भी आप डॉट दे सकते हैं, पर क्या है ना, उसे ग्लिटर नहीं आएगा। ये पर्ल ड्रॉप मैं यूज़ कर रही हूँ, पर्ल ड्रॉप इसलिए कि वो थोड़ा दूर से लाइटनिंग जैसा आए, तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। फिर इसे हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और सेम प्रोसेस हमें ऊपर भी करना है, हमें कुछ ग्रीन कलर से जहाँ रैंडमली कहीं ना कहीं डॉट हमें देते जाना है। आप रैंडमली कहीं पे कोई देख के नहीं देना है, हमें रैंडमली मैं दिए जा रही हूँ। ग्रीन देने के बाद फिर हमें क्या करना है, वो फ्लावर पे थोड़ा लाइटनिंग थोड़ा नहीं उतना ये हो रहा था, तो मैं सेंटर पे भी हल्का हल्का, मैं पर्पल कलर नहीं था मेरे पास, प्योर पर्पल कलर नहीं था, तो मैं लाइट पर्पल कलर था, मैं वही पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ पर्ल ड्रॉप का। तो आप भी यूज़ कीजिएगा, आपके पास ड्रॉप है कीजिएगा यूज़, नहीं है तो आप मंडला टूल से डॉट दे सकते हो। फिर मैं रैंडमली दिए जा रही हूँ, आप भी वैसे ही दीजिएगा। फिर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा कुछ टाइम के लिए। तो अब देखिए हमारा कितना सही लग रहा है ढक्कन। ढक्कन बन जाने के बाद हम दोनों चीज़ को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। मिडिल में हमें देना है, मिडिल में देने के बाद हमें छोड़ना है ड्राई होने के लिए। मिडिल में फ्लावर के ऊपर मैं दे रही हूँ, आप भी दे सकते हैं, या नहीं तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स कितना सही लग रहा है। क्या ये आपके रूम डेकोरेशन के लिए यूज़ हो सकता है? ये तो मुझे बहुत पसंद आया, इसे तो मैं अपने रूम में रखूँगी। साथी ये मुझे लगाना है मेरे रूम में। ओहो, अब तो इसका मीठा मीठा बात सुनो। प्लीज साथी। अच्छा बाबा सोचती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।